नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय चारों तरफ ऐसी महामारी चल रही है जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं और जल्द ही मर जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में आप जानते हैं कि लोग शराब का सेवन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग भी बहुत तगड़ी चल रही है। शराब को कैसे छोड़ना है, सिगरेट को कैसे छोड़ना है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। शराब रोज पीना है, सिगरेट प्रतिदिन पीना है, हर घंटे पीना है, हर मिनट पर पीना है, लेकिन कोई इसके लिए आवाज आगे नहीं उठा रहा है। अगर कोई आवाज उठाता भी है तो उसे ये कहकर के टाल देते हैं कि यो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और लोग इससे छोड़ेंगे नहीं, आप लाख समझा लो। इस तरह की बहानेबाजी क्या हमारे लिए ठीक है? क्या हमारी युवा पीढ़ी आगे चलकर के इसकी वजह सिगरेट पिएगी, शराब पिएगी? हम समाज को क्या यही ज्ञान देने के लिए बैठे हैं? सरकार इस पर कभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चला रही है, और चलाती भी है तो सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, सब जानते हैं, कंपनी के डिब्बे पर लिख दिया जाता है इससे कैंसर होता है, इससे ये जानलेवा चीज है, ये बहुत ही खतरनाक है, इसे पीने के बाद ये हो जाएगा। लेकिन क्या इसके बावजूद व्यक्ति डरता है इसे पीने से? नहीं। आप देखिए, इतनी बड़ी महामारी के बीच सब कुछ बंद है सिवाय शराब के। लोग झमाझम सिगरेट पी रहे हैं, झमाझम शराब पी रहे हैं, धुआंधार, मतलब धड़ल्ले से नशा चल रहा है। हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दें, क्या ऐसे भारत के निर्माण हम आगे करके कैसा, मतलब हम क्या देना चाहते हैं अपने बच्चों को। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी सिगरेट पी रहा हो, जो भी शराब का सेवन कर रहा हो, अगर उन्हें ये आदत छोड़नी है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और समझें मेरी बात को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सबसे पहले तो दोस्तों, आइए हम समझें कि सिगरेट और शराब से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है। जो लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी उसके बाद सेवन कर रहे हैं, तो ये तो आप मान के चलिए कि वो जानबूझकर स्वयं को चोट पहुंचा रहे हैं, और वो जान के अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं। आप जब इस चीज को जानते हैं तो आप इसका सेवन क्यों करते हैं? दूसरा, सिगरेट पीने के बाद आपको ऐसा क्या मिलता है? कुछ लोग हैं जो वादा करते हैं कि भैया आज सिगरेट पी रहा हूं, कल से मैं छोड़ दूंगा। कुछ लोग कहते हैं एक साल हो जाएगा तो छोड़ दूंगा, नए साल से छोड़ दूंगा, कल आएगा छोड़ दूंगा, तुम्हारी कसम खाता हूं छोड़ दूंगा, इस तरह की झूठी बातें करते हैं। पर वो उनसे झूठा वादा नहीं कर रहे, अपने आप से झूठा वादा करते हैं और इस नशे से गिरफ्त में आ जाते हैं। अब होता क्या है भैया, कि जो व्यक्ति इस चीज़ को पहली बार पीता है उसे पहली बार तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे जब ये तंबाकू, जब ये शराब आपके शरीर में जाती है तो धीरे धीरे आप इसके आदि हो जाते हैं। एडिक्शन वाला सिस्टम है पूरा आपके अंदर, अगर निकोटीन अगर आपके दिमाग में चढ़ गया, आपको जब ये अंदर इतना हावी कर लेता है अपने आप को। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, जब वो व्यक्ति उस नशे को नहीं पाता है तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने घर वालों को मारने पीटने तक लगता है। 10 रुपए और 5 रुपए के लिए भी लड़ाई हो जाती है इसमें। एक सिगरेट का डिब्बा अगर घर में खो गया, उसने अभी लाया था, उसकी वजह से घर वालों को मारपीट हो जाती है। कोई अगर ड्रिंक कर रहा है, उसका शराब का बोतल लेके आया, उसको अगर किसी ने गायब कर दिया तो उसके लिए मारपीट किया, कत्ल भी हो जा रहा है। ये इतना डेंजर है, सोचिए ये नशा कितना खतरनाक है आप लोगों के घर के लिए। अपने लोगों को समझाइए, जब आप शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, ये आपके शरीर में जब पहुंचता है तो आपके खून के साथ, आपके ब्लड के साथ घुसकर आपके खून को दूषित कर देता है। सिगरेट पीने वाले
ये जानते हैं कि जब सिगरेट पिया जाता है तो आपका फेफड़ा धीरे धीरे, वैसे तो उसका कलर पिंक होता है मेडिकल के अनुसार, लेकिन जब आप सिगरेट अधिक मात्रा में पीने लगते हैं तो धीरे धीरे उसका कलर पीला, फिर धीरे धीरे थोड़ा ब्राउन, फिर उसके बाद काला हो जाता है। उसके साथ जो आपका खून है वो भी धीरे धीरे काला होता जाता है, और उसमें कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिसमें कैंसर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऐसे ही आपका लीवर खराब होता है जब आप शराब का सेवन करते हैं धीरे धीरे। इतनी अधिक मात्रा में आपको इसे पीने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार इसे हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है, एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो कुछ लोगों से मैंने ये जब सुना कि भैया विज्ञापन देखते हो तो क्या असर होता है, तो बोलते हैं भैया मैं रिमोट लेता हूँ तो उसे उठे चेंज कर देता हूँ, उस चीज़ को मैं देखता ही नहीं, भागते हैं। सिनेमा हॉलों में भी ऐसा चीज़ चलाया जाता है, क्यों? क्योंकि देश में भी ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नशा इतना चीज़ है कि ये वहाँ पे साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, लक्स का प्रचार नहीं आएगा। पहले धूम्रपान का प्रचार होता है कि भैया आप धूम्रपान न करें, शराब का सेवन न करें, सिगरेट का सेवन न करें, स्मोकिंग न करें, तंबाकू का सेवन न करें, तमाम तरह की चीजें लिखी रहती हैं, फिर भी बंदा बात नहीं मानता है, और जहां पर इसका एडवर्टीजमेंट दिखता है उसके साइड में खड़ा होकर के सिगरेट पीता रहता है। मेरी बातों से कई लोग नाराज हो रहे होंगे जो इस नशे का सेवन करते हैं, उन्हें मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी। कुछ लोगों ने तो वीडियो शुरुआत में ही देखना बंद कर दिया गया होगा, और कुछ लोगों ने हेडिंग देखा मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे जब ये मैसेज पहुंचेगा मेरा तो उसको पहले ही हटा देंगे, अरे यार इसको कौन देखना है। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, आज आपको समझने का मौका मिल रहा है, समझ लीजिए, बाद में मौका मिले ना मिले आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से उस नशे के प्रति गुलाम हो चुका है, और वो जैसा चाहता है आपको वो नचाता है। आप घर में 1 मिनट भी सुकून में नहीं हो, आपका दिमाग दिन भर जो इस तरह का नशा करते हैं, शराबियों का दिन भर ये रहता है कि कब मौका मिलेगा, तब टाइम मिलेगा तो हम शाम को पीने का व्यवस्था करेंगे, कि ये खाना, वो करना, ये दारू पीना, क्या क्या चीजें लगाते हैं, तिकड़म लगाते हैं, पैसा कहाँ से मांगना है, किससे लेना है, फिर यहाँ व्यवस्था करनी है, और साथ ही साथ अपना तो पीते हैं, दूसरों को भी इकट्ठा करते हैं, और जो नए वाले होते हैं वो भी इसमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं आखिर इसे क्यों पीता है मेरा दोस्त, इसे क्यों पी रहे हैं हमारे घर वाले, देखा देखी में दूसरा आदमी पीता है। सिगरेट का क्या बोलूं, सिगरेट भी आजकल 12 साल के बच्चे हो रहे हैं, वो भी चोरी छुपे वो भी पी रहे हैं, उन्हें भी आप कैसे भी डांटिए मारिए, दोबारा उनकी हरकत ये रहती है कि वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही है, अगर आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं। यदि आप शराब का सेवन कर रहे हैं और शराब का सेवन छोड़ना चाहते हैं, तो आपको गुनगुने पानी में, नमक के पानी से आपको पीना है, और बार बार उल्टी करना है। ये प्रतिक्रिया आपको डेली करनी है, डेली एक्शन आपको सुबह शाम करते रहना है, नमक का पानी पीना है और गुनगुना पानी से करने के गुल उल्टी करना है, जिससे आपका जो लीवर है जिसमें गंदगी है धीरे धीरे साफ हो जाएगा, और आपकी इच्छा इससे खत्म हो जाएगी, आप दोबारा शराब नहीं पियोगे। ये आपको करना है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इसका संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे नहीं पीना, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी चीज है इच्छा शक्ति होना। आपके अंदर जब तक इच्छा नहीं होगी आप नहीं पी सकते हो। दूसरा चीज, अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम से एक काढ़ा बनता है, उसे आपको रोज पीना है, सुबह शाम सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। उसमें आपको क्या करना है, नींबू, अदरक का रस, दालचीनी, काला नमक, और उसको गुनगुने पानी में अगर थोड़ा हो सके तो उबाल दें, फिर उसको चाहे हल्का ठंडा करके उसको धीरे धीरे चाय की तरह पीना है। इसको आप अगर 1 महीना कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपको ये संकल्प लेना है कि आप मुझे सिगरेट नहीं पीना है, अब मुझे सिगरेट नहीं पीना है, अब मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा, अब मैं कभी भी दारू का सेवन नहीं करूंगा, मैं कभी भी कोई नशा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प जब आप लेंगे तब आप जाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें,
और मैं पुनः आपको बता रहा हूं, अगर आपको शराब छोड़ना है, आपको सिगरेट छोड़ना है, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा और आपको गर्म पानी का सेवन करना है सुबह शाम, काढ़े का सेवन करना है, और ये आपको निरंतर अगर आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये शराब की आदत और सिगरेट की आदत पूरी तरह से छूट जाएगी। अपने परिवार का ध्यान दें, समाज का ध्यान दें, और समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके घर वाले जो इसका आदि बन गए, मतलब पूरी तरह से जो इसमें गिरफ्त में है, नशे के गिरफ्त में, उनके लिए खास तौर से वीडियो है, उनको ही समझाइए कि ये नशा ना करें। धन्यवाद।